नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष की सुबह की बहस के साथ हाजिर है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। तो दिल्ली शराब घोटाला मामला जिसकी जांच की आंच दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल तक पहुंचती हुई दिख रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे इस घोटाले के तहत। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, समन पे समन जारी हो रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में पहली बार ईडी ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। पहली बार ईडी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का कनेक्शन केजरीवाल से जोड़ा है। शराब घोटाले में ईडी ने ऐसे कई बड़े खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। वैसे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ईडी की मंशा को लेकर पहले ही सवाल उठा चुकी हैं। केजरीवाल ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित और उनको गिरफ्तार करने की केंद्र की साजिश बताते रहे हैं। आम आदमी पार्टी ईडी के समन को गैर कानूनी बताती है, इसलिए आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर हम चर्चा भी करेंगे। तो शुरुआत बड़ी खबर बड़े अपडेट के साथ, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी सूत्रों से बड़ा दावा। आम आदमी पार्टी नेताओं को 100 करोड़ दिए गए। ईडी सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही है, साउथ लॉबी के जरिए रिश्वत दी गई। कविता ने केजरीवाल के साथ साजिश रची थी, साजिश, और इसकी जानकारी देखिए ईडी के सोर्सेस से आ रही है। ये बड़ी जानकारी है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कविता की साउथ लॉबी के मदद से 100 करोड़ दिए गए आम आदमी पार्टी के नेताओं को। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को नौवां समन जारी हुआ, लेकिन ईडी ने के कविता को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है ईडी का खुलासा दावा, कैसे ईडी के दावे पर आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है। आइए बिग वॉल के जरिए आपको एक एक बात सिलसिलेवार बताते हैं। ईडी ने दावा क्या किया है, देखिए दावा ये किया गया है केजरीवाल सिसोदिया मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई और आपने फिर पलटवार किया कि ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है। बिल्कुल, ईडी के दावे क्या हैं कि कविता ने केजरीवाल सिसोदिया के साथ रची थी साजिश, आम आदमी पार्टी ने उस पर क्या पलटवार किया है। मामला कोर्ट में तो ईडी इंतजार क्यों नहीं करती, ये कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी के दावे के जवाब में। जी हाँ, जांच में के कविता के साथ केजरीवाल का नाम जुड़ा हुआ है, यानी साउथ की लॉबी जुड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल के साथ, ये भी दावा किया गया ईडी की तरफ से। तो आम आदमी पार्टी ने पलटवार क्या किया, ईडी बीजेपी का राजनीतिक हथियार बन चुकी है, ये सीधा सीधा बोल दिया गया आपकी तरफ से। बिल्कुल, देखिए यह भी कहा गया ईडी की तरफ से कि नई शराब नीति में होलसेलर के जरिए रिश्वत दी गई, होलसेलर्स को माध्यम बनाया गया और उनके वाया ये रिश्वत पे की गई किनको, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को, ये दावा ईडी का। अब आम आदमी पार्टी ने उसका क्या जवाब दिया, केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना चाहती है बीजेपी और इसीलिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जी हां, साजिश के तहत साउथ लॉबी से एडवांस पैसे दिए गए, बहुत गंभीर आरोप है ये। आम आदमी पार्टी ने फिर पलटवार किया है कि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डर गई है, इसीलिए उन्हें उन पर टारगेट किया जा रहा है। और देखिए इसमें जो टेक्निकली अगर दावा जो है ईडी का, वो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना मकसद था और उससे दुगना मुनाफा कमाना था, इस पर एक ऑब्जेक्शन ईडी का है। और इसकी तरह आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर क्या कहा गया कि साउथ लॉबी से केजरीवाल का कनेक्शन नहीं है। तो एक तरफ ईडी कह रही है कि कनेक्शन है, मार्जिन बढ़ाकर मुनाफा देना मकसद था, दूसरी तरफ साफ इनकार किया जा रहा है कि इसके कोई प्रमाण नहीं है, इसके कोई सबूत नहीं है, मामला सिर्फ केजरीवाल को फंसाने और गिरफ्तार करने का है। तो सवाल है कि क्या केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, क्यों केजरीवाल ईडी के बार बार समन भेजने के बाद भी पेशी के लिए हाजिर नहीं हो रहे, यही सवाल हमने सत्ता सम्मेलन के मंच पर अरविंद केजरीवाल से पूछा। उन्होंने क्या कहा, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। कहते हैं कोई शराब घोटाला हुआ था दिल्ली में, 2 साल से इनका केस चल रहा है, इन 2 सालों के अंदर पता नहीं 1000 से ज़्यादा रेड मार चुके, पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, इनको अभी तक एक नए पैसे की रिकवरी नहीं हुई, पता नहीं कितने रेड मार चुके हैं, मनीष जी के यहाँ कितनी बार रेड मार चुके, हमारे लोगों पे कितनी रेड मार चुके, मनीष जी अंदर हैं, सतेंद्र जैन अंदर हैं, विजय नायर अंदर हैं, सबके, संजय सिंह अंदर हैं, सबके यहाँ रेड हुई, किसी के यहाँ कोई एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जज साहब ने बार बार बोला कि एक आपके पास जरा सा भी एविडेंस नहीं है इस केस के अंदर, दिस केस विल नॉट स्टे फॉर 2 मिनट्स ऑल्सो इन द ट्रायल कोर्ट, ये जज के रिमार्क्स थे। तो जाहिर तौर पर इनका मकसद कोई जाँच वाँच करना नहीं है, ये केस जाँच करने के लिए नहीं है,
ये केस आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए है। मैं वही करूंगा जो कानूनी रूप से जायज है। अब मैं कानून पे आ जाता हूं, पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए। मैं कुछ समन पे नहीं गया, ईडी ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। अब मैं कोर्ट में जाके कोर्ट को बताने वाला हूं कि कैसे ईडी के समन इलीगल हैं। मेरे वकीलों ने बताया कि ईडी जो समन भेज रही है वो इलीगल है, कानूनी रूप से सही नहीं है। मैं कोर्ट में जाके बताऊंगा। तो अब जब तक खुद ही ईडी वाले कोर्ट में गए, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तो ईडी को इंतजार करना चाहिए? वो ईडी कोर्ट के, भाई आपको कोर्ट पे यकीन नहीं है क्या? आप ही तो गए हो कोर्ट में, कोर्ट पे भरोसा रखो, कोर्ट का जजमेंट आ जाने दो। कोर्ट का जजमेंट आने तक इंतजार नहीं करते, रोज कल एक जवाब दिया, आज फिर एक समन आ गया, कल फिर एक समन आ जाएगा। तो ये तो एक तरह से तमाशा बना रखा है। कोर्ट कहेगा तो जाएंगे आप? कोर्ट कहेगा तो जाएंगे, कोर्ट कहे तो सही। इनके इनके समन जो है वो बिल्कुल इलीगल है, और क्यों इलीगल है? मैंने इनको कानूनी जवाब दिया है, लेकिन मेरे ऑब्जेक्शंस का वो जवाब ही नहीं देते। तो हमने आपको बड़ी बातें सुनवाई टीवी 9 के समिट में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। और एक और बड़ी खबर ये कि ईडी के खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो चुका है। गिरफ्तारी के डर से भाग रहे हैं केजरीवाल, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। भ्रष्टाचार में डूबी है केजरीवाल सरकार, बीजेपी की ओर से एक और टिप्पणी की गई है। और केजरीवाल से डर रही है केंद्र सरकार, ये आम आदमी पार्टी ने फिर पलटवार किया है। हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र भाटी भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, लेकिन एक खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। अनुजा कपूर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, विक्रम लोहिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, आदिल खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले जितेंद्र भाटी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ईडी की तरफ से क्या कुछ बड़े खुलासे किए गए, क्या दावा किया जा रहा है इस मामले में, शराब घोटाले मामले में? देखिए, ईडी की तरफ से दावा यह किया गया है कि शनिवार को जो के कविता को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए, जो थोक वेंडर्स थे उनको लिकर पॉलिसी में फायदा पहुंचाने के लिए किकबैक लिए गए, और 100 करोड़ रुपए का आसपास का आंकड़ा जो है वो इसमें बताया गया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें, अभी तक किसी भी चार्जशीट में या फिर इस तरीके से अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं पर नहीं आया है कि वो इस मामले में आरोपी है। पहली मर्तबा जो है ईडी की तरफ से इस तरह का दावा किया गया है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो लगातार जो है आम आदमी पार्टी इसी बात को लेकर के कह रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी, आपको याद होगा, जो 2 नवंबर को पहला समन आया था तो उन्होंने ईडी से यही सवाल पूछे थे कि उन्हें किस हैसियत से ईडी बुलाना चाहती है, इस मामले में गवाह के तौर पर, आरोपी के तौर पर, आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ये जो अभी ईडी की तरफ से नया खुलासा किया गया है और ये कहा गया है कि पूछताछ में इस तरह की बातें सामने निकल करके आई हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ में जो नेक्सस बनाया था कई कविता ने, और 100 करोड़ रुपये का किकबैक लिया गया और उसका इस्तेमाल जो है पार्टी में इलेक्शन के लिए किया गया। तो इस तरह की जो अटकलें हैं वो पहले भी लग रही थी। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि ईडी जो है गिरफ्तार करना चाहती है, और यही आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि मामला जब कोर्ट में गया है, खुद ईडी ने मूव किया है कोर्ट में, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार। चलिए, इस पर उत्तर भी हम लेंगे, उत्तर भी लेंगे अपने मेहमानों से। और देखिए, ईडी के दावे पर आम आदमी पार्टी का जवाब भी सामने आया है। केजरीवाल से डर रही है बीजेपी, केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मीडिया में एक बयान दिया है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। ये क्या जमाना आ गया है कि अब देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मीडिया में स्टोरी प्लांट कर रही है? ईडी का ऐसा बयान देना ये साफ साफ दर्शाता है कि आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। खुद ईडी कोर्ट जाती है, कोर्ट जाके ये समन कानूनी है कि गैर कानूनी है, अरविंद केजरीवाल जी का समन पे आना या ना आना सही है या गलत है, ईडी खुद कोर्ट गई, लेकिन ईडी कानून की प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है। और हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। पहला सवाल आदिल खान साहब आप ही से कि ग्राउंड क्या बता रहे हैं आप लोग, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं,
और ईडी के समन को बार बार बताया जा रहा है कि ये इलीगल। अब जो नए आरोप हैं उसमें बड़े गंभीर आरोप सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आप लोगों का पक्ष तर्क क्या है, किस ग्राउंड पर आप इन सारे समन को इलीगल बता रहे हैं? देखिए रवि भाई, इस पूरे तथाकथित शराब घोटाले को खुद हम लोगों को समझना पड़ेगा। दो साल पहले एक तथाकथित शराब घोटाले का जिक्र आया, 1000 से अधिक ईडी ने टीम बनाई और 500 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई। आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के यहाँ छापेमारी की गई, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ छापेमारी की गई, संजय सिंह जी के यहाँ, विजय नायर जी के यहाँ और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के यहाँ छापेमारी की गई, दर्जनों से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। पर आज तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित ईडी कोर्ट में यह नहीं बता पाई कि कहीं से उसे 25 पैसे मिले क्या, कहीं 25 पैसे की रिकवरी हुई क्या, कहीं कोई जायदाद मिली क्या, कहीं कोई गहने मिले क्या, कहीं कोई बेनामी संपत्ति मिली क्या। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खुद कहा कि आपका ये केस जब ट्रायल में जाएगा तब ये 2 मिनट नहीं रुकेगा। उसके बाद इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, विजय नायर जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया। अब साजिश ये थी कि अरविंद केजरीवाल जी को कैसे गिरफ्तार किया जाए, तो अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। पहला समन आया, अरविंद केजरीवाल जी ने कानूनी सलाह ली और ये पूछा कि आप बताओ कि किस हैसियत से मुझे बुलाना चाहते हो, आप आम आदमी पार्टी के संयोजक की हैसियत से बुलाना चाहते हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री के हैसियत से बुलाना चाहते हो, अक्यूज्ड के हैसियत से बुलाना चाहते हो, गवाह के हैसियत से बुलाना चाहते हो, उस पर कोई जवाब नहीं आया। पेश होना होगा ना जांच एजेंसी के सामने। अगर ये बात पता लगाना है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ, नहीं नहीं मैं आप ही के सवाल को ही जोड़ रही हूँ, आप जो सवाल उठा रहे हैं, अगर ये पता लगाना है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ किस आधार पर होनी है, क्या विटनेस के तौर पर होनी है या आरोपी के तौर पर होनी है, उसके लिए तो फिर पेश होना होगा। समन बार बार अरविंद केजरीवाल उसका निरादर कर रहे हैं, ये बीजेपी भी आरोप लगा रही है आप पे। देखिए मैं चाहता हूँ कि आपके दर्शक इस पूरे तथाकथित घोटाले को समझे, इसलिए मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक, अरविंद केजरीवाल जी को जब बार बार समन आया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को लिख कर पूछा, ईडी कोर्ट चली गई। कोर्ट जाने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जी हमारा अभी बजट सेशन चल रहा है, हम 16 तारीख को आएंगे और आपके सामने पेश होंगे। चूंकि कोर्ट का कानून का आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सम्मान करते हैं, 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट में पेश होते हैं। कोर्ट अरविंद केजरीवाल जी को बेल देती है और अगली तारीख देती है, वो घर नहीं पहुंचते और दूसरे ईडी का समन पहुंच जाता है। ये बात इस बात की दलील है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ नहीं करना चाहती। ठीक है, चलिए उत्तर ले लेते हैं। केजरीवाल जी आपके आपने जो भी तर्क दिया या आधार बताया, अनुजा कपूर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता है। अनुजा कपूर जी साफ कह रहे हैं बेसलेस है, कॉन्स्पिरेसी है, कोर्ट का सम्मान होगा लेकिन ईडी के इस तरह के समन्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जय श्री राम। रवि जी, निधि जी और मेरे पैनलिस्ट, गुड मॉर्निंग। एक लॉयर होने के नाते भी इस पूरी आपकी बातचीत को मैं आगे लेकर जाऊंगी और कोर्ट के अंदर बहुत केसेस हम लोगों ने भी देखे हैं। मेरे को लगता है कि इस बात को रेस्ट इन पीस कर देना चाहिए। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल गई, बेल उन्हीं को मिलती है जो अपने आप को गुनहगार मानते हैं। अगर वो बेल उनको नहीं मिलती, अगर वो नहीं जा रहे होते तो वो कोर्ट में अपीयर नहीं होते। बेल से रिलेटेड, बेल का मतलब ही सुनिश्चित करता है कि ही इज एन अक्यूज्ड। और कहीं पर भी ये भारतीय जनता पार्टी ने ये बात नहीं कर रही है कि आप अरविंद केजरीवाल जी आपको गिरफ्तार कर लेंगे, ना तो ईडी बोली ना सीबीआई बोली। आप जब समन के तौर पर आ ही नहीं रहे सामने, तो इसका मतलब आपके अंदर डेफिनेटली कोई काला है, कोई मैल है और आप ये जानते हैं कि एलिगेशंस ट्रू हैं। इसीलिए नहीं, वो कह रहे हैं कि बाकी लोग, वो कह रहे हैं कि हमारे पास रेफरेंस है इस बात का कि बाकी लोगों के साथ ऐसे हो चुका है और उनके साथ भी ये होगा। आप देखिए दूसरे कई नेता जेल में है ना, उनको भी ऐसे ही 1 by 1 गिरफ्तार किया गया। यही डर वो जता रहे हैं, यही सवाल वो उठा रहे हैं। रवि जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, क्योंकि आपको ने जो बात कही वही बात मैं भी कह रही हूं। कोर्ट ने कोई एविडेंसेस देखे हैं तभी तो ये लोग अभी तक बाहर नहीं है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं 30 अक्टूबर को विंडफॉल गेन्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,
विंडफॉल गेन्स टूवर्ड्स रुपीज 338 करोड़। ये विंडफॉल गेन्स का जो नाम है, जो ये कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट है, और उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया को उस केस में बेल नहीं मिलेगी क्योंकि विंडफॉल गेन्स रुपीज 338 करोड़ के साथ टेंटेटिवली सपोर्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इस वजह से इन्हें बाहर नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं सारे कि इन्हें बेल इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि इन ईडी के पास सबूत है इस बारे में और ये पुख्ता केस है, बड़ा केस है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ विक्रम लोहिया जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। विक्रम जी, लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बहुत अहम मुद्दा है, बहुत ज़्यादा इस मामले पर वार पलटवार हो रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है और ऐसे में बीजेपी साफ कह रही है कि अगर समन के सामने पेश नहीं हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल तो दाल में कुछ काला है। आप क्या कहेंगे? आप तो मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव दिल्ली में। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज घटनाक्रम इस देश के अंदर उभर के सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के दबाव में जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर। जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि उस समय के तत्कालीन उपराज्यपाल ने वो एक्साइज पॉलिसी क्यों पास की, इसकी शिकायत भी हमने की थी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खातों में सोम बिस्लरी कंपनी के द्वारा चंदा दिया गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। चार बार भारतीय जनता पार्टी के खातों में चंदा उसी कंपनी के द्वारा आया जिसको टेंडर दिया गया था। क्यों इस प्रकार की घटनाक्रम इन दूसरे विपक्षी दलों के खिलाफ होती है, अपने लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हो पाती है? राज्यपाल की भी जांच होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला उसकी भी जांच होनी चाहिए। विक्रम लोहिया जी, आप मानते हैं शराब घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था दिल्ली में? देखिए, हमने इसकी कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की इकाई ने इसकी कंप्लेंटे दिल्ली के एलजी को भी की, दिल्ली के हमने पुलिस कमिश्नर को भी की, हमने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों को भी शिकायत की। लेकिन अगर जांच में हमने ये भी कहा कि उपराज्यपाल साहब की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, उस समय के उपराज्यपाल ने क्यों नहीं इस पॉलिसी को रोका गया, अदरवाइज तो इनकी विदेश जाने की फाइलें भी रोक दी जाती हैं, बहुत सारी चीजें रोक दी जाती हैं। तो हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा भी दिया गया उसकी नहीं, तो आप क्या ये डिमांड कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनके साथ साथ बीजेपी के नेताओं की भी जांच होनी चाहिए, यानी कि ये जो हो रही है जांच ये भी सही है और इसमें और लोगों को शामिल किया जाए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल अगर केजरीवाल जी को संबंध किया गया जाना चाहिए, फेस करना चाहिए, लड़ना चाहिए, परंतु एक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता की है सीढ़ी वो है सीबीआई और ईडी। अभी एडवोकेट साहिबा कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साहिबा कह रही थी कि जो वो बेल मिल गई है तो अपराधी है। शायद आपने मैडम वकालत पूरी नहीं पढ़ी, निर्णय कोर्ट का आने के बाद तय होता है कौन अपराधी है कौन नहीं है। बेल मिलना एक अच्छी बात होती है, क्लाइंट को भी बेल मिल जाती है। यही कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, मामला सब जुडिस है, तो उसमें आप क्यों इस तरह से वर्डिक्ट दे रहे हैं या आप दोषी या आरोपी क्यों बता रहे हैं? कोर्ट को जांच करने दीजिए, कोर्ट को आगे बढ़ाने दीजिए मामला। और एक सवाल और पूछा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि विपक्षी नेताओं को टारगेट क्यों किया जाता है, बीजेपी के नेता क्या सब साफ है? कांग्रेस का इरा भूलेगा मत, इंदिरा गांधी का टाइम और ये तो सोनिया गांधी जी का टाइम रहा है, बीजेपी उसमें बहुत मुखर से ऑपोजिशन में रही है। मुझे आप बताइए कि इन्होंने उस टाइम पर सीबीआई ईडी का जो केज्ड पैरट का नाम, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कितने इन्होंने खिलाफ हमारे बीजेपी के खिलाफ इन्होंने केसेस लेकर आए, आप बताइए मुझे, मेरे को जवाब दीजिए। और आज आप बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद ने अपने ही खिलाफ 2G स्कैम और इन सब के अंदर अपने को इन्होंने कोर्ट के अंदर लाकर खड़ा किया है। तो आप जहां पर हम लोग को सीबीआई ईडी की बात कर रहे हैं, फिर बार बार मैं कहूंगी कि राहुल गांधी जी तो फिर सीबीआई शक्ति का नाम देना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कौन बोल रहा है बीच में जिसको पता नहीं है कि ये डिबेट्स है। आप चैनल पे बैठ करके झूठ बोलिएगा तो कैसे चलेगा? रवि जी, आप प्लीज कोऑर्डिनेट कीजिए डिबेट को। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, लोहिया साहब पहले कंप्लीट करने ने दीजिए। जी बोलिए अनुजा जी। धन्यवाद। राहुल गांधी अभी ईडी और सीबीआई को इन्होंने लिखकर ट्वीट के अंदर कह दिया कि वो शक्ति है, तो समझ में नहीं आता कि वो एजेंसी है कि शक्ति है। तो प्रॉब्लम कहा है कि ठीक है, नहीं ये देखिए ये सब राजनीतिक बयान है, देखिए ये सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट है अनुजा, ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हम चुनाव में देखते हैं क्या क्या किस किस तरफ से बोला जाता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। मूल सवाल ये है कि इस पूरे मामले में जो लीगल स्टेप्स हैं वो क्या वाकई में वैलिड है? अवधेश जी, दो सवाल बड़े सिंपल है, एक तो इसमें लीगल एंगल है, कानूनी पक्ष है, और दूसरा पॉलिटिकल है।
इसके कानूनी पक्ष को आम आदमी पार्टी पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताते हुए सवाल कर रही है और वो कह रही है कि इसलिए हम कोऑपरेट नहीं करेंगे ईडी को कि ये सब कुछ पॉलिटिक्स के तहत किया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? अरविंद केजरीवाल के लिए क्या वाकई में ये चुनाव के ठीक पहले बड़ी कोई मुसीबत है जिसका संकेत अब साफ साफ नजर आने लगा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को 8 सम्मन मिले हैं, चुनाव अभी आया है, उनके पास सम्मन पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से आ रहे हैं जी। और एक संविधान और कानून के मानने वाले का तकाजा था कि साहस के साथ उसके सामने जाना चाहिए था या उसको खुद बुलाना चाहिए था कि हमारी पूछताछ करिए, या कोर्ट में जाना चाहिए था कि आपकी मॉनिटरिंग में हम चाहते हैं कि हम जवाब दें। तीनों में से एक काम अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया है। मैं इसका उत्तर देने के पहले रवि इतना ही याद दिलाऊंगा कि अरविंद केजरीवाल जी जब अन्ना आंदोलन के शीर्ष नेता थे तो अपने हाथों में सबके खिलाफ चार सीट लेके लहराते थे, 10 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ प्रणब मुखर्जी से लेके सारे के लहराए थे और बोले थे कि जैसे आरोप लगे इनको त्याग पत्र देना चाहिए, पूछताछ में शामिल होना चाहिए, कोर्ट जब बड़ी कर दे तब इनको वापस आना चाहिए। लेकिन वो चीजें बदल गई है। जब मनीष सिसोदिया अरेस्टिंग हुई तब भी गुजरात का नाम लिया गया चुनाव का, तो ये तो चलता रहेगा चुनाव का पॉलिटिकल एंगल इसका निश्चित रूप से होता है क्योंकि हमारे यहाँ हर साल चुनाव चलते रहते हैं। लेकिन आप सोचिए, राव जेबनी कोर्ट में ईडी 1 चार्जशीट, 2 कम्प्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, सीबीआई 3 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, के कविता का पूरा आरोप देखें, अभी मैं इसमें पढ़ रहा था, 2-3 मैंने बहुत चीजें समझा है, इसमें बता रहा है कि इसमें बताया है कि आबकारी घोटाले की आरोपी इंडो स्प्रिट के डायरेक्टर समीर महेंद्री ने पूछताछ में ईडी को बताया कि सीबी अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर ने उनसे उसकी मुलाकात फेस टाइम ऐप के जरिए अरविंद केजरीवाल से की और अरविंद केजरीवाल उस फेस टाइम ऐप में बोल रहे हैं कि विजय नायर हमारे बेटे की तरह है, आपको इसके साथ काम करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन तो और चार्जशीट में भी अवधेश जी विजय नायर का नाम है जो सीबीआई ने चार्जशीट दी। इस मामले में सीबीआई जांच अलग कर रही है, ईडी अलग। कम्युनिकेशन हेड है पार्टी का, सुनो, वो पार्टी का कम्युनिकेशन हेड है, अगर वो बात कर रहा है पार्टी के फंड में पैसे आए हैं तो पार्टी का हेड कौन है? तो इसलिए अगर आरोप सही है, मैं आरोप के पक्ष में जवाब बोलूंगा तो अंततः उसका सही जवाब देने का दायित्व। एक बहुत वाजिब सवाल उठाया अवधेश जी ने, ये सवाल उठाया कि अगर आप बार बार कह रहे हैं कि साफगोई है और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ने के बिना पर ही बड़ी पार्टी बनी, तो अगर आप कह रहे हैं कि आप साफ हैं तो जाकर जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए। देखिए निधि जी, अवधेश जी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब ये है कि 2 साल से जांच एजेंसी 1000 टीम बनाकर जांच कर रही है, तो वो जो ये अवधेश जी बता रहे हैं कि इनको पैसा गया उनको पैसा गया, वो पैसा गया कहां? आज तक एक पैसे की रिकवरी कहीं नहीं मिली। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जितने विश्लेषक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कभी आप चैनल पर बैठकर कहते हैं कि 700 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी आप चैनल पर बैठ के कहते हैं 200 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 2 करोड़ का घोटाला हुआ, और कल भारतीय जनता पार्टी आप गुस्सा के हमको किसी का समर्थक बता रहे हैं। मैं आपसे 2-4 सवाल और कर लेता हूँ, फिर आप और गुस्सा के जवाब देंगे। सुनने का साहस रखिए, चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं बोला था, लेकिन आप पर मैंने पर्सनल अटैक नहीं किया था। आप भी सुनने का साहस रखिए, आप किसी पर पर्सनल अटैक करेंगे ना, यही समस्या क्या तरीका है ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं? पहले इन्होंने शुरू कर दिया, कहा कि भाजपा समर्थक इस मोनोलॉग से कोई फायदा नहीं है। मूल प्रश्न पे आइए। देखिए, हमने भी आज ये सवाल पूछा कि भाई अरविंद केजरीवाल को क्या गिरफ्तारी का डर है, और अगर डर है तो क्या अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं? वो तो कहते थे कि हम किसी भी जांच का हम सामना करने को तैयार है, और वही उदाहरण वो पूरे देश में देते रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड स्थापित करने की कोशिश की कि हम सबसे ईमानदार पार्टी हैं, तो क्या वो ईमानदार पार्टी डरती है किसी भी जांच एजेंसी से? कोई कितना भी गलत हो, क्या आप डरते हैं? रवि भाई, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए।
देखिए जो ये राजनीतिक विश्लेषक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चैनलों पर बैठते हैं और जिनको व्हाट्सएप से एक मैसेज भेज नहीं, देखिए उस पे मत जाइए, उस पे मत जाइए। देखिए मैं नहीं, वो हमारे नहीं, वो हमारे मेहमान है। मेरे सवाल का आप मुझसे बात करिए ना, तो मुझे बताना। नहीं आप मुझसे बात करिए ना, आप मुझको एड्रेस करिए, मुझसे बात करिए। नहीं नहीं आदिल खान साहब, आप मुझे एड्रेस करिए, आप मुझे एड्रेस करिए, मैं एंकर हूँ, आप मुझे एड्रेस करिए, मुझे एड्रेस करिए। मैं वही कह रहा हूँ, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उन्होंने अपने दो गुंडे पाल रखे हैं इस देश में, सीबीआई और ईडी, और उन गुंडों के माध्यम से खबरें प्लांट की जा रही हैं। मतलब आप देखिए हिंदुस्तान की तारीख में आज तक कभी जांच एजेंसियां खबर नहीं प्लांट कराती थी, पहली बार हमने देखा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शराब घोटाले में बार बार पहले तो मुझे इसका उत्तर देना जी, प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए खान साहब। देखिए इस तरीके से अगर आप अवधेश जी बोलेंगे, आप वरिष्ठ हैं, नहीं नहीं बोलिए, मैं ये ठीक बात नहीं है, आप ही को मौका दे रहे हैं, बोलिए। कहां से रोक पाएंगे भाई, मैं तो शांति से, आपने मेरा नाम लिया है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत, थोड़ा तो रिएक्ट करना पड़ेगा। अभी इस ढंग से तो डिबेट नहीं हो सकता। नहीं नहीं तो फिर ये नाम लेंगे और आपको कोई रिएक्ट नहीं करेगा रवि, ऐसे डिबेट नहीं होता। नहीं नहीं मैंने मैंने पहले ही कहा, मैंने पहले ही कहा, जब नहीं नहीं जब अवधेश जी नहीं, आपसे भी अवधेश जी, आप रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, आपसे भी मैं आग्रह कर रहा हूँ, आदिल खान साहब नहीं, मैंने पहले भी कहा ऐसे नहीं, व्यक्तिगत मत होइए। चलिए आपने जो कहा अनुजा, देखिए समय की कमी, अनुजा इस पर रिएक्ट करिए। अभी उन्होंने दो आरोप बड़े गंभीर लगा दिए कि कैसे एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं नहीं अनुजा, मैं बहुत डिसिप्लिन डिबेटर हूं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति बैठ के किसी का चरित्र हनन करेगा, उसका समान तरीके से उत्तर नहीं दिया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, आदिल खान साहब आपका मैं गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन भाषा की संयमता होनी चाहिए। मैं अनुजा जी से रिप्लाई लूंगी। जी अनुजा जी, आप बताइए, जवाब दीजिए जो खान साहब ने। देखिए मैं आदिल खान जी को ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस के अंदर ये बोला है कि जो पर्संस मस्ट विजिट ऑन ईडी समन्स, पर्संस आर रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द ईडी समन्स। और जिस सीबीआई ईडी की बात ये लोग कर रहे हैं, उसी सीबीआई ईडी के घेरे के अंदर संजय सिंह, आपके सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, विजय नायर और ये कई लोग ऐसे हैं जो अंदर गिरफ्त में हैं और 15 लोग अरेस्ट करे गए हैं इसी के बिना पर। और आप जो कह रहे हैं, आप इसी द प्रोसीड ऑफ क्राइम के रिलेटेड जो एसेट्स है, रुपीज 128.79 करोड़ रुपया अभी तक जब्त कर लिया है, अभी तक चीजें जो एसेट्स है इसके साथ कनेक्टेड थे वो ले लिए गए हैं। आप ही के चीफ दिल्ली सेक्रेटरी, उन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेंट करी थी, इसमें भाजपा कहीं नहीं है, उनसे आप जाकर पूछिए। और उसी दौरान पर वैभव कुमार जो आप ही के पर्सनल असिस्टेंट्स रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, उनके बात ग्रिल करते हुए ईडी ने यह बात पूछी थी और कोर्ट को बताया था कि इसी दौरान अरविंद केजरीवाल को लेकर आना पड़ेगा क्योंकि वो इससे कनेक्टेड है, वो आपके कन्वेयर, नेशनल कन्वेयर। अनुजा लेकिन एक तर्क उनका है, मुझे लगता है वो एड्रेस करिए आप, अनुजा वो एड्रेस करिए, वो कह रहे हैं कि इतनी जांच हुई, इतनी टीमें बनी, एक रुपया पैसा रिकवर नहीं हुआ उस घोटाले का। वो बार बार कहते हैं कि कहां है वो पैसा जो करप्शन हुआ, क्या रिकवरी हुई उसका सबूत दीजिए। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले, मुझे लगता है नहीं, आपने आपने कहा आप, मैं चाहता हूं कि उस बात को आप, रवि भाई आप भूल गए, विंडफॉल गेन्स भूल गए आप। मैंने आपको अभी बताया कि ₹338 करोड़ का लिंक मिल चुका है और सुप्रीम कोर्ट उसे बोल चुकी है, इसी वजह से इसी बिना पे तो मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रहा। और इससे ज्यादा कितना ज्यादा हम लोग बोले, मतलब बीजेपी साहब कह रहे हैं खान साहब इसमें सबूत हैं ईडी के पास, इसीलिए पुख्ता तौर पर केस को मजबूत बनाने के लिए ये कार्रवाई हो रही है और आप कार्रवाई में जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं जांच में सहयोग, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। आप क्या कहेंगे, सबूत है ईडी के पास, ये बीजेपी कह रही है। देखिए निधि जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज इसको कोऑर्डिनेट करिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपने आप को वकील बता रही और बताया कि इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। अरे भाई साहब, पीएमएलए केस आपने पढ़ा है ना, जो 2019 में मोदी जी की सरकार ने जिसमें अमेंडमेंट किया था, उसमें यह होता है कि जो अक्यूज्ड होता है उसको खुद साबित करना होता है कि मैं निर्दोष हूं। तो यह बड़ी लंबी प्रक्रिया है, पीएमएलए केस बेसिकली आतंकवादियों के लिए, जो लोग पैसे लेकर विदेश भाग जाते थे, इनके जो दोस्त हैं जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, उनके लिए बनाया गया था। पर आज पीएमएलए केस
सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों को खत्म करने के लिए लगाया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर यह नहीं कहा कि 5 पैसे की रिकवरी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे जनता के बीच में जाकर झूठ बोलती है उसी तरीके से आज आपके माध्यम से चैनल पर बैठकर ये लोग ठीक है। अनुजा रिस्पॉन्ड करिए, अनुजा रिस्पॉन्ड करिए, आपने आरोप लगा दिया, आप जवाब सुन लीजिए। ये शतुरमुर्ग बंद कर बैठे हुए हैं वाले लोग, किस तरीके से चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। अरे अब जवाब सुन लीजिए आदिल साहब, जवाब सुन लीजिए आदिल खान, सुन लीजिए आप, ये शतुरमुर्ग बनकर आप बैठ गए हैं और शतुरमुर्ग बनके कुछ होगा नहीं। शतुरमुर्ग बनकर आप बैठी हैं, शतुरमुर्ग बनकर आप बैठी हैं, आपको आदत है शतुरमुर्ग बनने की, कौन बोल रहा है बीच में। So, इसीलिए मुझे लगता है कि जो ये विंडफॉल गेन्स का जो कोर्ट है, ये मेरे भाई को देख लेना चाहिए कि कहां से आया है, और इसी बिना पर 100 करोड़ का भी जो किकबैक का जो के कविता के अंडर आया है, उसके भी जो पूरा संगठन था वो था सारथ रेड्डी, कविता, मग्नुता श्रीनिवासुलु रेड्डी, इन लोगों के अंदर, और इसको कविता रेड्डी इसको हेड कर रही थी, जो आप लीडर से के साथ इसका साठगांठ था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 100 करोड़ की रिश्वत है, वो है विजय नायर, विजय नायर ने विटनेस बनकर इन सब चीजों के बारे में कहा है। रिश्वत पे ही सवाल ले लेते हैं, इनको पूछना होगा और इनको जाना होगा। इस रिश्वत का जो आरोप लग रहे हैं, ये सवाल ले लेते हैं खान साहब। 100 करोड़ की रिश्वत की बात सामने आ रही है और ईडी ने ये दावा किया है, ये खुलासा किया है, ये सामने रखा है कि केस कितना ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है, रिश्वत के लेन देन से जुड़ा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो बार बार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को एक मिनट, अरविंद केजरीवाल जी को जब सीबीआई ने बुलाया था तो अरविंद केजरीवाल जी गए थे, कोर्ट के अंदर जाना था तो अरविंद केजरीवाल जी गए थे, और आम आदमी पार्टी के दूसरे जितने भी लीडर हैं वो सब ने जांच में सहयोग किया, जांच में गए। पर अब साफ तौर पर यह दिख रहा है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी और गुंडे की तरह काम करती है, ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना है, तो इसलिए हम कोर्ट, ईडी कोर्ट गए। ठीक है, तो आप बार बार वो बात कह रहे हैं कि मंशा गिरफ्तारी की है, अवधेश जी के पास मुझे जाना होगा। अवधेश जी, अब जो सबसे बड़ा डर है मुझे लगता है इस पूरे गेम में, क्या वो डर बहुत ही वास्तविक है? वो डर होता है छवि का, राजनीतिक अस्तित्व का, क्योंकि जहां से आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी वहां यही बात हुई थी कि एक दाग लगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, हम पद छोड़ देंगे, यहां से एक आदर्श स्थापित हुआ था। क्या वो जो इमेज की कमाई है इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी की, क्या उसके बट्टा लगने का सबसे ज्यादा डर है इस वक्त जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उस लड़ाई में? देखिए, व्यवहारिकता का तकाजा है कि उस इमेज पर तो हमको बात ही नहीं करनी चाहिए, कि उस इमेज की जो हालत हुई है, जिस ढंग से तार तार हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी के सारे पुराने साथी बहुत पहले उनके साथ छोड़ के जा चुके हैं या उन्होंने उसको हटा दिया हुआ है, तो ये एक अलग विषय हो गई है। इस समय जो मूल बात है वो यह है कि क्या जो लोग अभी तक गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया जी को 15 महीने हो गए हैं, अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है, जो हमारे दूसरे उनके साथी थे, तीसरे नंबर के जो थे सत्येंद्र जैन जी, उनको कल ही फिर कोर्ट ने कह दिया है कि अब आपको नियमित जमानत नहीं मिल सकती, आपको अंदर जाना होगा, वो जा चुके हैं, और 15 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ईडी और सीबीआई जो आरोप लगाती है वो साबित होना ही है, वो सच होता ही है, जिस पर आरोप लगाया गया वो भ्रष्ट है ही है। अगर आरोप साबित नहीं भी होता है तब भी जो दिल्ली की आबकारी और शराब नीति थी, अगर आप उसको थोड़ी भी गहराई से देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि इसमें भ्रष्टाचार के अंश हैं। उसको कोर्ट में साबित होने और न होना एक अलग पक्ष होता है। और उसी की जांच भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके, और तो छोड़ दीजिए, जंतर मंतर पर उतर करके कहा कि इसकी जांच हो, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी बदल रही है तो पॉलिटिकल चीजें बदल सकती है उसमें, नहीं बदल सकती है कि आप एक होटल में जाके बैठते हैं हैदराबाद में, वहां के कविता बैठती है, उसके साथ मीटिंग होती है, वहां से बातचीत होती है, तो ट्रायल होता है। नहीं, एक लाइन और कहना है, जो 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 हुसैन साहब कह रहे हैं कि भाई पैसे नहीं मिला, पीएमएल में हवाला में पैसे की रिकवरी करनी बहुत अंततः कठिन होती है, उसमें ट्रायल ही होता है, पैसा सीट भी किया गया है, नोट नहीं, आरोप भी कई लग रहे हैं, 180 करोड़ से ज्यादा की इसमें प्रॉपर्टी अटैच है, लेकिन इसमें जो सीज है उसका कहना कठिन है, हवाला का धन। एक सवाल कांग्रेस से, क्योंकि आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पॉलिटिकल कंपल्शन हुआ था, वो बता रहा हूं, ये पॉलिटिकल कंपल्शन है आम आदमी पार्टी का साथ देना, विक्रम लोहिया जी।
देखिए बहुत गंभीर बात आप इन्होंने आरोप लगाया है। मैं कहना चाहता हूं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाले बाद अजीत पवार के लिए, और आज वो प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठ करके आज डिप्टी सीएम पद संभाल रहे हैं। आखिर क्यों इस देश के अंदर इस प्रकार की राजनीति होती है और क्यों देश के अंदर इस प्रकार की जो घटनाक्रम सामने उभर के आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने शुभेंदु अधिकारी जी को भ्रष्टाचारी कहा, प्रधानमंत्री जी ने हेमंत सबन बिस्वा जी को आसाम के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी का, आज वो प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठे हुए। ये आदरणीय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल अगर एनडीए का हिस्सा हो जाते तो ये सब जांचें बंद हो जाती। तो आपका निधि रवि एक बार 10 सेकंड हमें हमारे पास समय कम है अनुजा क्विक। हाँ, मैं कांग्रेस के भाई से ही पूछना चाहती हूँ, अजय माकन आप ही के कांग्रेस के लीडर हैं कि नहीं है, उनके ट्वीट्स पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है कि हमारे अगेंस्ट ठीक है जाकर इन्होंने कांग्रेस के पार्टी के जब इलेक्शन जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारी जगहों पे लेकर जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल जितेंद्र से करना होगा, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र अब सवाल यहाँ पर यह है कि आगे की इसमें क्या प्रक्रिया नजर आ रही है, ईडी के जो फ्रेश एलिगेशंस हैं या जो सोर्सेस से बात सामने आ रही है जो आरोप हैं उस पर क्या आगे एक्शन हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं, इस वक्त जमानत भी उनको मिल गई है। बिल्कुल देखिए इस मामले में अगर देखें जो कयास और बयानबाजी जो है पार्टियों दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही थी, लेकिन उसमें एक कदम आगे बढ़ते दिख रहा है। देखिए कल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई थी राजधानी कोर्ट में, तो वहां पर सीबीआई ने कहा है कि वो कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार मामले में कर सकती है। दूसरी बार आप देखें तो जो ईडी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि कई कविता के बयान जो है वो उस तरफ इशारा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नेक्सस था 100 करोड़ की बात की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वो जो 100 करोड़ का आरोप है डिबेटेबल है, तो ऐसे में आगे जो है मामला बढ़ सकता है गिरफ्तारी की तरफ। जी मैं रोक रही हूँ आपको, कई गिरफ्तारियां जी मैं अब देश रोक रही हूँ, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है चर्चा का। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन बड़े बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं ईडी के दावे के अनुसार। और बिहार एनडीए से बड़ी खबर है, सीट बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा नाराज, कुशवाहा एक सीट मिलने से है नाराज। उपेंद्र कुशवाहा ने 2 सीट की मांग रखी थी।